हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 22 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 8 साइंस की वर्कशीट है। सभी बच्चे अपने अपनी साइंस के नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट को कंप्लीट कर सको और अपने टीचर को सेंड कर सको। देखिए, सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट लिखोगे साइंस। बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो दूसरी वीडियो को देख लेंगे, वो भी अपलोड कर दी गई है हमारे चैनल पे। ठीक है, आप चैनल के नाम पे क्लिक करके सारी वीडियोज देख सकते हो, पूरी लिस्ट खुल जाती है। ठीक है बच्चों, और देखिए, अगर आप लोग गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपको लाइव गेम देखना है कि लाइव कैसे होता है, गिफ्ट कैसे अनबॉक्सिंग होती है, उसकी कैसे आपको मिलता है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे सुजीत सिंह वाले पे जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो अभी जो लास्ट वीडियो डली थी उसका मैंने विनर अनाउंस कर दिया था। जो अभी वीडियो डलने वाली है बच्चों, इसी वीक में वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो की बच्चों एडिटिंग चल रही है। ठीक है, तो जैसे वो कंप्लीट होगी आपको वो गिफ्ट देखने को मिल जाएगा। सभी बच्चे टॉपिक जरूर डालेंगे, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है बच्चों, देखिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, सबसे इसमें दिया गया यूजेस ऑफ मेटल। देखिए, मेटल आर क्या होते हैं? शाइनी होते हैं एंड लस्ट्रस होते हैं। हमने पढ़ा था 8 400 400 400, ये नंबर सभी बच्चे याद कर लें। चाहे आपका मैथ का डाउट हो, फिजिक्स का डाउट हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो, उसका क्वेश्चन जानने के लिए, तुरंत सॉल्यूशन पाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8 400 400 400 पे। नंबर को ऐड करें और क्वेश्चन का फोटो खींचें, फिर उसे क्रॉप करें। क्रॉप करने के बाद इस नंबर पे सेंड करें। तुरंत 6 सेकंड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 6 से लेकर 12 IIT, नीट, CBSE बोर्ड एंड एनी अदर बोर्ड के कोई भी डाउट जानने के लिए 8 400 400 400 डाउट नट ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत इसका सोल्यूशन। मेटल और नॉन मेटल के बाद में बच्चों, लास्ट वर्कशीट में हम बहुत पढ़ते आए हैं उनके बीच में डिफरेंस, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि वो मेटल कैसे होते हैं। शाइनी और लस्ट्रस होते हैं। दे आर फॉर यूज इन मेकिंग ज्वेलरी बनाने के लिए। बच्चों, किसका यूज किया जाता है? मेटल का यूज किया जाता है, हमेशा याद रखना, मोस्टली सिल्वर और गोल्ड का। ठीक है, मेटल आर यूज इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, ट्रेन, ETC। ठीक है, एक्सट्रैक्टर, इन चीजों में भी यूज किया जाता है। किसमें? मशीन में, ऑटोमोबाइल में, एरोप्लेन में और ट्रेन में। ठीक है बच्चों, अब देखिए, एल्यूमिनियम एंड आयरन सीड्स आर यूज इन मेकिंग रूफ ऑफ हाउस। ठीक है, एल्यूमिनियम सीड जो होती है या आयरन की सीड जो होती है, वो छत बनाने के लिए यूज किया जाता है, कई झोपड़ियों के ऊपर आपने देखा होगा। मेटल आर गुड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, मेटल की और खासियत होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी पास करते हैं, गुड कनेक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, देयरफॉर दे आर यूज टू मेकिंग वायर, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, एग्जाम्पल कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर हम लोग बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इनसे ही हमारे घरों में बिजली आती है। मेटल आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो, एक तो हमने पढ़ा गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के लिए और हीट के लिए भी, हीट पास करने के लिए भी मेटल सबसे अच्छा होता है। देयर आर यूजफुल फॉर यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग पर्पज, एग्जाम्पल आयरन एंड एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा आयरन और एल्यूमिनियम के हमारे बर्तन बने होते हैं, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। किसके लिए? हीट के लिए। मरकरी इज यूज इन थर्मामीटर। देखो, मरकरी ही ऐसी है मेटल में जो बच्चों ये लिक्विड स्टेट में होती है, पर ये फिर भी मेटल है। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन बच्चों बहुत आता है, ये होती लिक्विड है। ठीक है, फॉर्म लिक्विड में होती है पर ये मेटल के अंदर होती है। ये एक एक्सेप्शन केस है जो इसको छोड़ के होता है, बाकी सारे मेटल आपके बच्चों ठोस होते हैं, मतलब सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब देखिए, यूजेस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के हम यूजेस पढ़ेंगे। कार्बन इज अ नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। इट इज यूज इन द पेंसिल्स कॉल्ड बैटरीज। देखिए, कार्बन ऐसा है जो आपका एक तो नॉन मेटल है। ठीक है, वो किसमें प्रेजेंट होता है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग, आप हो गए, हम हो गए, कोई एनिमल्स हो गए, सभी के अंदर पाया जाता है। और इसके प्रोडक्ट्स भी होते हैं, पेंसिल बनाने के लिए, कोयला बनाने के लिए, बैटरीज बनाने के लिए भी कार्बन का यूज किया जाता है। फॉस्फोरस का यूज कहाँ किया जाता है बच्चों? सेफ्टी, माचिस के अंदर किया जाता है। माचिस किससे बनी होती है बच्चों? फॉस्फोरस से बनी होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, क्रैकर्स, पटाखे भी बच्चों आपके फॉस्फोरस से ही बने होते हैं, जो आप दिवाली पे पटाखे छोड़। बच्चों, दिवाली आने वाली है, तो कौन कौन बच्चा दिवाली पे पटाखे छुटाएगा? और बच्चों, कोई मुझे सजेस्ट करेगा कि आपको, मतलब मैं ऐसा क्या गिव अवे निकालूं दिवाली के उस पे, जिससे सभी बच्चे खुश होएं। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ग्रेमेसाइड एंड एक्सप्लोसिव, ये भी बच्चों किससे बने होते हैं? आपके फॉस्फोरस से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब देखो, सल्फर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, गन पाउडर एंड एसिड। देखो, मेडिसिन किससे बनती है बच्चों? मोस्टली आपकी किससे बनती है? सल्फर से। और गन पाउडर भी बच्चों आपका सल्फर से बनता है, और एसिड भी आपका सल्फर है, जो आपका नॉन मेटल। नाइट्रोजन, मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। नाइट्रोजन बच्चों आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये बच्चों इसे याद रखना हमेशा कि फर्टिलाइजर में और पेस्टिसाइड में, छिड़काव में, मतलब खाद वाद में ज़्यादा काम होता है। आयोडीन, आयोडीन से आप समझते हो सीधा, आयोडीन का मतलब होता है, समझ लो बच्चों,
बीटाडीन, ठीक है, सबसे ज्यादा यूजफुल बीटाडीन में होता है एडिन का, ठीक है, यूज फॉर मेडिकली पर्पज एज एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक। काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे कि मैं मेडिकल लाइन से हूँ, तो काफ़ी जो पुराने स्टूडेंट हैं वो सभी जानते हैं, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो। देखिए ऑक्सीजन इसमें दिया गया, रेस्पिरेशन फॉर बर्निंग एंड कंजप्शन ऑफ फ्यूल। ऑक्सीजन किसके लिए यूज किया जा रहा है? रेस्पिरेशन। देखो सबसे पहले तो काम रेस्पिरेशन हो गया, और किसी भी चीज़ को बर्निंग कंजप्शन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आप फ्यूल भी चलाते हो तो ऑक्सीजन के बिना बच्चों वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसमें दिया गया क्लोरीन, वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। क्लोरीन किसमें, देखिए आपका जो आरओ होता है, आरओ जो का जो पानी फिल्टर होता है किससे होता है? क्लोरीन की टैबलेट से होता है, मतलब क्लोरीन के बिना वो फिल्टर नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। नेम एनी फोर मेटल एंड नॉन मेटल, ऑल्सो राइट देयर यूजेस। आपको फोर मेटल बताने हैं और उनके बच्चों यूजेस भी बताने हैं, ठीक है। चलिए तो मैं आपको एक एक करके सभी आंसर अच्छे अच्छे से लिखवाऊंगा, तो सभी स्टूडेंट अपनी नोटबुक निकालेंगे जिससे आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें और अपने टीचर को सेंड कर सकें। देखिए हम चार नाम लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग गोल्ड, ठीक है। ठीक है हमने लिखा आंसर नंबर वन का मेटल, ठीक है, आपने लिखा यहाँ पे गोल्ड फर्स्ट, ठीक है। तो बच्चों किसमें यूज होता है? ये ज्वेलरी में, आप लिख दोगे ज्वेलरी, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्या लिखे बच्चों हम लोग? सिल्वर। सिल्वर का भी बच्चों कहाँ यूज होता है? ज्वेलरी में होता है, ठीक है। अब थर्ड लिख सकते हो आप लोग एल्यूमिनियम, तो ये क्यों आ गया आपका? यूटेंसिल, मतलब बर्तन बनाने के लिए आपका एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, ठीक है। फोर्थ हो गया आपका, चार पूछे थे, कॉपर। कॉपर का किसके यूज होता है बच्चों? वायर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, अब हम लिखेंगे नॉन मेटल, ठीक है, लिखेंगे नॉन मेटल। तो एक तरफ आपने मेटल लिखा है, एक तरफ आप लिखोगे नॉन मेटल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ये मेटल हो गया, नॉन मेटल, ये एक ही क्वेश्चन है पूरा। सबसे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बच्चों आपका क्या है? नॉन मेटल। आप इसमें लिख दोगे रेस्पिरेशन, ठीक है। किसमें यूज होता है बच्चों? रेस्पिरेशन में। अब देखिए फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड हम लोग लिखेंगे कार्बन। कार्बन के बच्चों बहुत सारे यूज है, हम एक लिखेंगे पेंसिल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब थर्ड देखिए आपका दिया गया आयोडीन। आयोडीन मैंने आपको बताया था एक बीटाडीन में यूज होता है, तो ये क्या है? एक एंटीसेप्टिक है। ये बच्चों हॉस्पिटल में यूज करते हैं, अगर आप लोग जानते हो तो मैं आपको किस दिन दिखा भी दूंगा कि हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, कैसे कैसे। अगर आप लोग कोई मेडिकल लाइन में जान सकते हो तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को गाइड कर दूंगा, ठीक है। फॉस्फोरस माचिस, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर नंबर एक कंप्लीट होता है पूरा। अब चलते हैं सेकंड में, सेकंड आपका क्या पूछा है बच्चों? फाइव फूड कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ मेटल, मेटल के क्यों बनी होते हैं, ठीक है। तो देखिए तो ये इसका आंसर आपका वर्कशीट में दिया गया आंसर नंबर टू, देखिए आप कहाँ से लिखोगे? सभी बच्चे यहाँ से लिखोगे, यहाँ से, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर टू है, आप यहाँ से लिखोगे मेटल आर गुड कंडक्टर फॉर हीट सो दे आर यूज फॉर यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग पर्पस, एग्जांपल आपका आयरन एंड एल्यूमिनियम। ये आपका आंसर नंबर टू कंप्लीट हो गया, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड आपका दिया गया व्हाई बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आर हार्मफुल, वो हार्मफुल क्यों होते हैं? ठीक है, देखिए इसका आंसर आप लोग, मैं लिखवा देता हूं आपको आंसर नंबर थ्री, आंसर नंबर थ्री, ठीक है। बिकॉज आप लिखोगे हार्मफुल क्यों होते हैं? बिकॉज मैनी गैसेस आर रिलीज ड्यूरिंग ड्यूरिंग एक्सप्लोड क्रैकर्स, जब आप पटाखे छुड़ाते हो तो बच्चे बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, विच इज हार्मफुल, जो क्या होती है? हार्मफुल होती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट,
देखा व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर का यूज बच्चों किस लिए किया जाता है, टू मेजर, इसमें आप यही लिख दोगे टू मेजर, क्या मेजर करते हैं हम थर्मामीटर से, टेम्परेचर। सभी बच्चों को पता होगा आप लोग अपना बुखार कैसे चेक करते हो, टेम्परेचर से चेक करते हो। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं फिफ्थ पे, विच नॉन मेटल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन यूज फॉर हीलिंग ऑफ वाउंड्स। ठीक है, तो आपको नॉन मेटल बताना है कि मेडिसिन के लिए जो यूज होता है, मतलब आपको कहीं चोट लग जाती है तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा हम लोग नॉन मेटल यूज करते हैं। तो देखिए, एक तो आपका क्या हो गया, हमने पढ़ा था एंटीसेप्टिक, और एक आपका सल्फर, तो आप इसमें लिख दोगे सल्फर। ठीक है, और हमने दूसरा कौन सा पढ़ा था, आयोडीन, जिसका हमें किसमें बीटाडीन में काम आता है, वो एंटीसेप्टिक है। तो बच्चों ये कितने हो गए, दो, सल्फर और आयोडीन। तो होपफुली आपको आज की वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आएगी, एक एक बच्चा अच्छे से समझ गया होगा इसे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि काफी बच्चे हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं पर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा तो दूसरा चैनल है सुजीत सिंह, उसको भी सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही उस पर वीडियो डलेगी व्लॉग की, वैसे ही आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत।